हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर का स्वागत है। हम आज तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो आप चैनल में बने रहिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। तो देखिए, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले इनके बारे में हम डिटेल करेंगे। तो क्या है, इफ एन लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन एन प्लस वन, है ना, ये कंडीशन मैंने लिया। इस कंडीशन को आप बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, आप रियल लाइन से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स से, मतलब आप वैल्यू उठाते जाइए। और यहाँ पर n कहाँ बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू z, है ना। तो देखिए, अगर इस टाइप का वाला कंडीशन अगर आप लेते हैं, n लेस आर इक्वल टू x लेस देन n प्लस वन, और फंक्शन ऑफ x n अगर वैल्यू दे दे, तो इन दिस सिचुएशन ये जो फंक्शन है, स्पेशली ये fx, उसको हम ऐसा डिनोट करते हैं और ये क्या कहलाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे, इसलिए अच्छे से आप ऑब्जर्व कीजिएगा। तो मैंने बोला कि n लेस आर इक्वल टू x लेस देन n प्लस वन, अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पर जो फंक्शन की ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगी, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा, वो क्या होगा, n। तो ये सिचुएशन में हुआ ये, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल लिया हूँ, उसको आप अच्छे से देखिए। उससे पहले आप DOD देखिए। DOD की R मतलब ये हुआ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होती है, इसका जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन होता है, DOD होती है, पूरा R होता है, पूरा रियल लाइन होता है। रियल लाइन से आप इनपुट लेते हो और जो आउटपुट मिलता है इमेजेस के रूप में, वो होता है, मतलब रेंज सेट के रूप में, वो होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना। अभी ये ध्यान रखना है, मतलब रेंज होगा जेड, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ इन तीनों एग्जाम्पल से बातें पूरी समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और मैं ट्रिक भी लिखा हूँ, ये ट्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ट्रिक को ही आप देख लीजिए पहले। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, यहाँ पर भी यही तो बता रहा था भाई। नियरेस्ट का मतलब हुआ कि अगल बगल में जो भी है, आस पास में जो भी है, उनको लेना है, और नियरेस्ट तो होना ही चाहिए, और साथ ही साथ स्मॉलेस्ट। तो देखिए, नियरेस्ट मतलब हुआ कि x के पीछे और x के आगे जो इंटीजर है, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन, है ना, ये जो n है और n प्लस वन है, ये खास बात यह है कि इंटीजर है, तो कोई भी रियल नंबर उठाइए, उस रियल नंबर का जो अगल बगल जो इंटीजर्स हैं, है ना, बिल्कुल आस पास में, उसको देखना है, बिल्कुल जो करीब में है उसको देखना है, और खास बात जो नियरेस्ट है ही और स्मॉलेस्ट भी है, उनको देखना है। तो स्मॉलेस्ट कौन होगा इन दोनों में, एन होगा ना भाई। नियरेस्ट एन है, एन प्लस वन है, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन है, एन। तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, एन। इसलिए मैंने ट्रिक करके लिख दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब देखिए, मैंने यहाँ पर बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टू, तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, टू, टू इंटीजर है, तो टू यहाँ पर इंटीजर है, किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर टू ही होगा। स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट देखना रहता है, तो नियरेस्ट क्या है ना, वन टू थ्री, ये तीन अलग अलग होंगे नियरेस्ट के अंदर, जिसमें और स्मॉलेस्ट भी देखना रहता है। लेकिन अगर ये आप इंटीजर लेते हो, तो इंटीजर लेते हो तो ज्यों का त्यों आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वालिटी भी है, इक्वालिटी का सिचुएशन है, जैसे कि आपने इसको एन ही ले लिया, इसको आपने n ही ले लिया, तो डायरेक्ट n ही आएगा ना, वही समझ लीजिए। आपने 2 लिया तो डायरेक्ट 2 ही आ गया। तो कोई भी इंटीजर आप उठाओगे तो उनके करेस्पॉन्डेंस इमेज 2 ही होगा। तो कोई भी इंटीजर, चाहे वह नेचुरल नंबर हो, चाहे वह पॉजिटिव में हो, चाहे नेगेटिव में हो, है ना, क्लियर हो रहा है, तो उसका ज्यों का त्यों होगा। इंपॉर्टेंट तो ये है, जब डेसिमल फॉर्म में होगा तब कैसे देखेंगे। तो किसी भी इंटीजर के करेस्पॉन्डेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा वही आता है, ये कन्फर्म हो गया। अब खास बात देखिए, 1.3 2.9 में ही ज़्यादा ऑब्जर्व करना है अपने को। 1.3 तो इसमें है ना, 1.3 इनके पीछे क्या है, 1 यहाँ पर हम देख लेते हैं, 1.3 है ना, ये हमारा है 1.3, इनके पीछे है 1, इसके आगे है 2, 1 और 2 ये दोनों नियरेस्ट है, नियरेस्ट करीब को देखना है, और साथ ही साथ है ना, नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो 1 और 2 दोनों नियरेस्ट हुआ, और स्मॉलेस्ट कौन है, 1 है। सो इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 1, कन्फर्म हो रहा है। ये जो ट्रिक लिखा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र की तरह है ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझने के लिए। और कोई भी इंटीजर हो, उनके करेस्पॉन्डेंस ग्रेटेस्ट इंटीजर आप देखोगे तो वो हमेशा इंटीजर ही होगा, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है, है ना। अब देखिए, 2.9, वैसे भी ये इंटीजर लाना ही तो यहाँ पर मेन टारगेट चल रहा है, आप 2.9 उठाए। अब 2.9 को देख करके कोई भी कहेगा हाँ 3 आ जाएगा, लेकिन आप सोचिए, मैंने डेफिनेशन क्या बताया, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट। तो देखिए, ये 3, अब यहाँ पर है 2.9, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट, नियरेस्ट में क्या आएगा, 2 और 3,
तो टू और थ्री, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन होगा? टू। इसका मतलब ये हो जाएगा टू। कन्फर्म हो रहा है? इस तरीके से आपको देखना है। माइनस के लिए भी इसी तरीके से ऑब्जर्व करोगे, कन्फर्म ना। अब दिमाग में क्या आता है जनरली स्टूडेंट का, कि आपने बोला स्मॉलेस्ट नियरेस्ट इंटीजर, आप देखो वो हो जाता है, लेकिन नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों पड़ा? ये दिमाग में आता है, तो इसको हम क्लियर करते हैं, इसी एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलने के पीछे का रीज़न ये है कि आपने 2.9 उठाया, इस 2.9 के तो कोई भी एग्जांपल है, तो 2.9 आपने उठाया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है, देखिए ये जो 2.9 है इनके पीछे जितने भी इंटीजर्स आप लोगे, 2 है, 1 है, 0 है, माइनस 1, कितने होंगे पूरे सब के सब, क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, है ना। तो 2 है, 1 है, 0 है, माइनस 1 है, माइनस 2, सब के सब इंटीजर्स होंगे। उन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा कौन हुआ? 2। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर हो रहा है? तो 2.9 जो था, है ना, ये ट्रिक के थ्रू आपने देखा किस तरह से 2 है, और टेक्निक मैंने बताया, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 2.9 के पहले 2 वो है इंटीजर, लेकिन उससे पहले भी तो पूरे इंटीजर्स होंगे, लेकिन उन सभी इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है? 2। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2। इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा जाता है। तो ये उम्मीद है कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करें, है ना। तो जो मैंने डेफिनेशन लिखा था, एन लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन एन प्लस 1, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा था, है ना, ये इंप्लाई कर रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एन, है ना, ठीक है ना, ये हुआ एन। अब इसी कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, माइनस 3 लेस और इक्वल टू एक्स लेस देन माइनस 2, माइनस 2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन माइनस 1, माइनस 1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 0, 0 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 1, इसी तरीके से 1 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 2 लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन 3, है ना। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा, यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, n लेस आर इक्वल टू एक्स लेस देन एन प्लस 1 होता है, तो x की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होती है? n होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा माइनस 3, इनके लिए हो जाएगा माइनस 2, इनके लिए हो जाएगा माइनस 1, इनके लिए हो जाएगा 0, इनके लिए हो जाएगा 1, और इसके लिए हो जाएगा 2। कन्फर्म है? किस तरीके से हमने देखा दोनों, है ना, में इस नियरेस्ट माइनस 3 माइनस 2 दोनों नियरेस्ट है, लेकिन स्मॉलेस्ट माइनस 3, है ना, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2। अब ग्राफ को देखिए, इनपुट पूरा रियल लाइन से लेना है ना, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये 0, है ना, 0, 1, 2, 3, इधर भी ये होगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। अब इसी तरीके से ये और ये, तो ये हो गया माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3। वन टू थ्री ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। ओके, अब देखिए है ना, तो मैं ऐसे कैसे बनाया, ये जो दिख रहा है ना यहीं से मैं बना रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखते जाइए, क्लियर होता जाएगा ऑटोमेटिकली ना, ये इस तरीके से, ये और ये फिर आगे ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है ना। इसको आप और अच्छे से, है ना, स्केल के थ्रू अच्छे से कर सकते हैं। पहले टेक्निक समझिए, देखिए सबसे पहले मैंने क्या, इधर ही देख लीजिए, माइनस 3 और माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2, तो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर? माइनस 3, है ना, तो मतलब कि माइनस 3 और माइनस, इनपुट को देखो ना, इनपुट जो ये है, माइनस 3 और माइनस 2 के बीच में जो भी वैल्यू होगा, है ना, वो अगर आप माइनस 3 लोगे तो माइनस 3 आएगा ही, माइनस 3 लोगे तो माइनस 3 आएगा ही, और
इनके बीच में जो भी वैल्यू लोगे वो फिर माइनस थ्री ही आएगा। तो माइनस थ्री ही आएगा, इसलिए ग्राफ बिल्कुल इसी के लाइन में बना ना भाई। आपने जो भी वैल्यू उठाया, माइनस थ्री उठाया तो भी माइनस थ्री, इसके इधर पॉइंट में जो भी था आप उठाते गए तो भी ये माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री तो मिल रहा है आउटपुट माइनस थ्री, लेकिन टू पर नहीं, माइनस टू पर नहीं मिलेगा ना। माइनस टू के इधर जितने भी वैल्यूज़ हैं माइनस थ्री को मिला करके सब के सभी लगातार ये हुआ, और जो इस पर वैल्यू नहीं मिल रहा है मैं इसको ऐसे संकेत दे दिया, ये अपने हिसाब से नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब माइनस टू, जैसे ही मैं माइनस टू पर गया तुरंत मुझे माइनस टू मुझे आउटपुट मिला, और माइनस टू से लेकर माइनस वन के बीच में जितने भी वैल्यू लाइन से लगातार मिलता गया, जैसे ही माइनस वन फिर से इसमें आ गया तो आप देख सकते जंप कर रहा है ना। जैसे माइनस वन में गया फिर यहाँ पर आ गया और लगातार ये इमेज मिला, जैसे जीरो आया फिर यहाँ पर आ गया और लगातार जीरो और वन के बीच की वैल्यू क्या है, जीरो है या है ना, जीरो है पूरा कंप्लीट है ना। और जैसे ही वन में गया डायरेक्ट मुझे वन मिला, फिर वन और टू के बीच में वैल्यू लगातार ये मिल रहा है, जैसे टू में गया फिर से ये मिल गया, और जैसे ही मैंने टू पे गया ये वैल्यू मिला, और टू और थ्री के बीच में लगातार ये मिला, और जैसे ही मैं थ्री में फट से यहाँ पर, आप देख सक रहे हैं ऐसे 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 जंप हो रहा है, क्लियर हुआ। तो ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। अगर किसी भी तरह से आपको डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, लिस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो देखिए ये क्या चीज़ है, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट कहना चाहिए, अपोजिट नहीं मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए क्या है, इफ़ एन लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू एन प्लस वन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एन बिलोंग्स टू जेड देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्लस वन। मतलब ये हो रहा है कि आपने कोई रियल नंबर उठाया, कोई भी रियल नंबर उठाइए, उस रियल नंबर के पहले और बाद में जो नियरेस्ट इंटीजर्स होंगे उनमें जो बड़ा वाला इंटीजर होगा, लार्जेस्ट इंटीजर्स जो होगा उनको आप लेना है, उनको आपको लेना है। तो फिर ये जो फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को हम, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लिस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्लोर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो रहा है कि जस्ट अभी जो देखे थे उससे कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट हो रहा है, है ना। एन लेस देन एक्स लेस आर इक्वल एन प्लस वन, तो ये स्मॉल आपको क्या लेना है, नियरेस्ट और लार्जेस्ट, तो क्या होगा एन प्लस वन, ठीक है ना। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो जो लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस वन होता है, जस्ट एक ज़्यादा, है ना, क्लियर हो रहा है। और आप आसानी से समझ भी सकते हो, आप इसको लेते थे पहले, अब हमेशा एक ऐड करोगे तो हमेशा यही वाला एक्स्ट्रा आएगा ना। तो जस्ट आप डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, इससे पहले एन था, अब ये क्या आ रहा है एन प्लस वन, है ना। यहीं से आप आसानी से क्लियर कर सकते हो कि ये जो होगा ये क्या हुआ, n का मतलब यहाँ पर n क्या है, है ना, ये आपका इस तरीके से प्लस वन। कन्फर्म एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, और मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, है ना, जो आप डिनोट कर रहे हैं उसको आप इसे ध्यान रखें, बिल्कुल इसको इसी फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और होता क्या है, लार्जेस्ट एंड नियरेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। इसका मतलब है कि आप नियरेस्ट और लार्जेस्ट जो वैल्यू होगी इंटीजर के फॉर्म में उनको लेना है। तो क्या हुआ मेन चीज, एक्स की जो है ना लार्जेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, मतलब इंटीजर को लेना, एक्चुअली मैं लेकर दिखाता हूँ ना। जैसे मैंने लिया ये, अगर आप इंटीजर ले लिए हो तो इक्वालिटी डायरेक्ट जो कहते हो आ जाएगा, कन्फर्म ना। लेकिन अगर इंटीजर नहीं लिए हो डेसिमल के फॉर्म में, तब कैसे लेना है वो ध्यान दीजिए, 1.1, ठीक है ना। आप डेफिनेशन अगर आपको इसको अप्लाई करने नहीं आता तो आप कन्वर्ट कर लो 1.1 प्लस 1 करके, और 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नियरेस्ट कौन है, 1, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, आया यहाँ पर 2। या फिर आप ये वाला डेफिनेशन इस्तेमाल ना करके डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको देखिए, है ना। 1.1 मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना, ये 1 मेरा है ना, जस्ट 1.1 होगा, ये 2 है। अब ध्यान से समझिए, ये मैंने लिया 1.1, अब ये जो 1.1 है इनके स्मॉल, ये रियल नंबर हुआ कोई भी, इनका स्मॉल है ना, इनका जो नियरेस्ट इंटीजर्स कौन है इनके आगे पीछे वो देखिए, तो 1 और 2 दो नियरेस्ट इंटीजर्स हैं, कन्फर्म हो रहा है दो नियरेस्ट इंटीजर्स है 1 और 2, और दोनों में बड़ा कौन है 2, तो लार्जेस्ट एंड नियरेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना, ये इंटीजर है, सॉरी इंटीजर है ना ऑफ एक्स। तो यहाँ पर कौन हुआ, है ना, नियरेस्ट और लार्जेस्ट कौन है 2, इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से 2.9 अगर लेते हो तो 2.9 में है ना नियरेस्ट 2 और 3 दोनों आएगा, लेकिन लार्जेस्ट कौन है 3, सो आंसर है 3। ऐसे आप खुद से एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। अच्छा, अब वही बात कि इसे आप चॉइस तो लार्जेस्ट और नियरेस्ट करते हो तो फिर इसे लिस्ट क्यों कहा जाता है, तो कॉन्सेप्ट वही है कि जैसे मैंने ये वाले एग्जाम्पल को ही आप देख लीजिए, है ना, 1.1
इधर 3, इधर 4। अब सोचो है ना, ये जो 1.1 है ना, इनसे इनका जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, ऐसे जितने भी आगे सब के सब क्या हैं, लार्जेस्ट इंटीजर्स हैं। लेकिन आप सोचें उन सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे लिस्ट कौन है, 2। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। कन्फर्म हो रहा है? तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये भी क्लियर हो रहा होगा, आप बिल्कुल रिवाइज कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इनका ग्राफ हम देख लेते हैं। देखिए ना, मैंने क्या किया, आप ये डेफिनेशन तो ये तो क्लियर हो गया, n लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू एन प्लस वन, तो इम्प्लाई करेगा लिस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल टू एन प्लस वन। अब एग्जांपल ले लेते हैं, -3 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू -2, -2 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू -1, -1 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 0, इसी तरीके से 0 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू +1 है ना। और क्या होगा, 1 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 2, 2 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 3। ऐसे खुद से करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी है ना ग्रो होगा। अब देखिए, इनमें बड़ा वैल्यू देना है तो ये होगा -2, इसी तरीके से ये होगा -1, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2, और इनका क्या हो जाएगा, ये होगा 3, ठीक है ना। अब यहाँ से ग्राफ बनाना आसान हो गया, तो ग्राफ है ना, तो देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। ग्राफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हमने देख सकते हैं दोनों में है ना, जो नियरेस्ट है और लार्जेस्ट उसको लिया गया, तो 2 -1 0 +1 2 3, ठीक है ना। तो ग्राफ में इन दोनों के बीच में -2 पर जाएगा, ठीक है ना, मतलब कि ये 3 को छोड़ करके आप उसके आगे वैल्यू जैसे जैसे लोगे आपका आउटपुट है ना ऐसे मिलता जाएगा, क्या -2 मिलता जाएगा, इसलिए लगातार ये -2 -2 -2 पूरा -2 तक। अब जैसे ही आपने -2 से बड़ा वैल्यू लिया तो फिर आपका वैल्यू आउटपुट क्या मिलेगा, -1, तो -1 -1 -1। अब जैसे ही आपने है ना -1 से फिर से छोटा इधर मतलब सॉरी इससे बड़ा वैल्यू लिया 0 है ना, मतलब पॉइंट समथिंग इनके बीच का जो भी वैल्यू लिया है ना, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, तो आपको आउटपुट के तौर पर ये मिला 0 के तौर पर। अब आप 0 के ऊपर आप वैल्यू लीजिए, 0 से ऊपर जस्ट आपने वैल्यू लिया तो उसके हिसाब से आउटपुट ऐसे मिलता गया 1 तक है ना, मतलब क्या हो रहा है, बड़ा वाला वैल्यू मिल रहा है ना। आप यहाँ और ध्यान से देखिए, आपने 1 वैल्यू लिया, 1 पर आउटपुट 1, और 1 से आगे है ना, तो सॉरी 1 पर आउटपुट तो 1 मिलेगा, ठीक है, 1 से जस्ट आगे आपने लिया है ना, तो फिर आपका आउटपुट क्या मिला, 1 से जस्ट आगे आप लोग इनके बीच के वैल्यू तो क्या मिलेगी, 2, तो लगातार 2 2 2 2 2 कहाँ तक, 2 तक। अब जैसे जस्ट आगे 2 से जैसे ही लोगे वैल्यू तो जस्ट 3 3 3 3, इस तरीके से, क्लियर हो रहा है। तो आपका इनपुट पूरा रियल लाइन है, आर है, डीओडी आर है ना, इसी तरीके से जो आउटपुट मिल रहा है वो है ना पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होंगे है ना, +-1 +-2 +-3 सब 0 है ना, सब के सब ना, ये हो जाएगा रेंज सेट। तो कैसे हमें टैग किए, क्लियर हो रहा है ना। और मैंने ये भी कहा कि अगर किसी भी तरीके से आपको समस्या होती है, डाउट होता है, बिल्कुल बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन देखने वाले हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है ना, इनकी वैल्यूज़ को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ है 0 और 1 के बीच में ही होती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है ना। तो कैसे होता है, डिफाइन कैसे होता है वो देखिए। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस है ना, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के थ्रू शो करते हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
है ना, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्रम में डिफाइन होता है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। अब देखिए इनकी डी ओ डी आर होती है, पूरा रियल लाइन से आप इनपुट लेते हो और रेंज सेट होता है ना सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0-1, जिसमें 0 इंक्लूड होता है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होता। सबसे खास बात मैं बता दूं इनकी खासियत क्या है, ग्रेटेस्ट है ना, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की खासियत ये है कि जो रेंज हमारा मिलता है, जो इमेज जो मिलता है, इमेज 0 मिलता है या 0 और 1 के बीच में पॉइंट में मिलता है, इसलिए तो फ्रैक्शनल पार्ट कहा गया, डेसिमल के फॉर्म में मिलता है ना, मतलब दशमलव के रूप में। और सबसे खास बात ये कि जीरो, अब बोलोगे कि ठीक है पॉइंट के फॉर्म में मिलता है तो जीरो क्यों मिलता है, जीरो कब कब आएगा मैं बताता हूँ, जब जब आप इंटीजर्स उठाओगे, चाहे वह पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, यहाँ तक कि आप जीरो खुद उठाओ, इन सब के करस्पॉन्डेंस है ना, पर्टिकुलरली इंटीजर के करस्पॉन्डेंस आपको इमेज जीरो मिलेगा। बाकी कोई भी आप रियल नंबर पॉइंट के में उठाते हो तो केवल जीरो और वन के बीच की जो पॉइंट वाली वैल्यू वही मिलती है। आप देख सकते हैं मैंने इसको डिटेल भी किया कि एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है और ग्रेटेस्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है इनकी वैल्यू जीरो और वन के बीच में होती है। जैसे देखिए वन और टू मैंने क्या उठाया, इंटीजर उठाया, आप इंटीजर के करस्पॉन्डेंस वैल्यू देख सकते हैं किस तरह से जीरो मिल रहा है ना, लेकिन जैसे मैंने पॉइंट में वैल्यू मिला तो ये क्या है 1.9 माइनस दिस, अब ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा है ना, स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट क्या होगा 1, अब वैल्यू कितनी है पॉइंट, तो समझ आ रहा है आपको कि है ना वैल्यू किस तरीके से छन के पॉइंट में मिलता है, ये बात भी समझ आ रही है आपको है ना, यहां से है ना पॉइंट टू, ऐसे आप कोई भी अपने तरीके से एग्जांपल ले लीजिए और क्लियर कीजिए है ना। अब बात आती है ग्राफ हम इसका कैसे बनाएं, तो देखिए ना इसका ग्राफ हम कैसे डेवलप किए है ना, तो ये तो समझ आ गया था कि इनपुट आप पूरा रियल लाइन से उठाओगे, तो ये रियल लाइन पूरा आर आपका डी ओ डी है ना, तो यहाँ से आप वैल्यू उठाते जा रहे हो, बात क्लियर है। और आपका रेंज सेट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो और वन के बीच में, जिसमें जीरो इंक्लूड है मैंने बोला था ना, ठीक है ना। तो देखिए आपने जैसे माइनस थ्री लिया तो माइनस थ्री पर वैल्यू क्या मिली, जीरो मिली। अब माइनस थ्री से जैसे ही आप बढ़ते गए आपको पॉइंट में वैल्यू मिलती जाएगी है ना, जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो पॉइंट में वैल्यू मिलती जा रही है जीरो और वन के बीच की वैल्यू, ये तो समझ आ गया था, मैंने कैसे एग्जांपल भी दिया था। तो माइनस थ्री पर वैल्यू जीरो है ना भाई, रियल लाइन में आपको वैल्यू मिल रही है माइनस थ्री पर तो जीरो ना। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे ग्राफ ऐसे ऊपर होता जा रहा है, और जैसे ही माइनस टू में गया फट से नीचे आया माइनस टू पे, और जैसे ही आगे बढ़े फिर से आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे माइनस वन फट से नीचे फिर ऐसे बढ़ता जा रहा है, ऐसे इस तरीके से है ना, किस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा कि आप है ना, आप इस तरीके से बढ़िया सा डायग्राम आप देख रहे हैं है ना ये। और इंटरेस्टिंग बात पता है, ये जो फंक्शन है आप गौर कीजिए है ना, कि ये जो इतने लेंथ के बाद है ना, मतलब इसकी लेंथ वन आप ले लीजिए, उस लेंथ वन के बाद ये क्या हो रहा है ना, बिल्कुल ऑस्किलेट हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये पीरियोडिक है, शिफ्ट कर पा रहे हो अब है ना, देख पा रहे हैं इसको इसमें शिफ्ट कर सकते हो, इसको इसमें शिफ्ट कर सकते हो, या फिर इस निश्चित अंतराल के बाद ये रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्लियर हो रहा है ना। इनका जो वैल्यूज़ हैं पूरे है ना, ये वैल्यूज़ हैं है ना, कौन कौन से वैल्यूज़, जितने भी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है ना, इनके सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स ये पूरा जेड है, देखो माइनस थ्री माइनस टू ऐसे पूरा कंप्लीट ना, जेड का मतलब तो पता ही है ना, प्लस माइनस एन, एन बिलोंग्स टू एन, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे लिख दिया, ये सब के सब पीरियड्स होंगे, सेट ऑफ पीरियड्स हैं जेड, ठीक है ना। और ये जितने भी वैल्यूज हैं सेट ऑफ पीरियड्स तो है ही है ना, और ख़ास बात ये कि ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन के बाद एकमात्र ये फंक्शन है जो पीरियोडिक है ना, तो इट इज पीरियोडिक फंक्शन, ये आपको ध्यान रखना ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन होता है ना, एल्जेब्रिक फंक्शन में दो ही फंक्शन है जो पीरियोडिक होते हैं, और वो ये है ना, एक है कांस्टेंट फंक्शन और दूसरा है ये फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बाकी ट्रांसडेंटल फंक्शन ही होते हैं, जिसमें हम देखे थे है ना साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ये तो हम डिटेल देख ही चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।